हम डिस्कस कर रहे थे बेंच वर्क एंड फिटिंग के बारे में, ठीक है। तो बेंच वर्क एंड फिटिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इन ए फिटिंग वी रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस टू असेंबल द टू कंपोनेंट, टू फिटिंग द टू कंपोनेंट्स। समटाइम्स वी आल्सो रिपेयर द कंपोनेंट्स, ठीक है। इफ द सम कंपोनेंट्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस ड्यू टू द डायमेंशनल प्रॉब्लम, डायमेंशन में चेंजमेंट आ गया है, शेप एंड साइज चेंज हो गए हैं कंपोनेंट के ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज गेन करने के लिए वी रिपेयर द कंपोनेंट इन ए फिटिंग शॉप, तो फिटिंग शॉप के अंदर उस कंपोनेंट की रिपेयरिंग करते हैं। तो इन द फिटिंग ऑपरेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस चिपिंग ऑपरेशन। इट इज द मेटल रिमूवल प्रोसेस बाय यूज ऑफ ए चीजल, ठीक है। हम यहाँ पर चीजल यूज करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में सरफेस से मटेरियल को रिमूव करते हैं। इट रैपिडली ब्रेकिंग डाउन द सरफेस, ये तेजी से क्या करता है, सरफेस को शेयरिंग करता है, कट करता है फ्रॉम द सरफेस, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लेट, वी हैव अ प्लेट ऑफ थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, जो आपको चाहिए दैट इज थिकनेस इज रिक्वायर्ड इज 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर क्या है, ये पोर्शन दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बाय द फाइलिंग इट टेक वेरी लॉट ऑफ टाइम, यदि आप फाइलिंग से इस मटेरियल को रिमूव करोगे तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फाइलिंग क्या करती है, फाइल्स इट रिमूव द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल चिप्स, चिप की थिकनेस है वो 1 mm से भी कम होती है। इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिमूव द 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, बल्क क्वालिटी में, लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करना है तो वे वी आर गोइंग टू यूज द चीजल, तो हम चीजल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लगभग 3 सेंटीमीटर रिमूव करना है इसको, तो 2.5 तक जनरली, ठीक है, इसका 90% जो पोर्शन है दैट विल बी रिमूव बाय द चीजल, तो चीजल से रिमूव करते हैं। लेकिन जो लास्ट का 10% पोर्शन है दैट विल बी रिमूव बाय द फाइलिंग, वो फाइलिंग से रिमूव। ऐसा क्यों, बिकॉज जो आपकी चिपिंग ऑपरेशन है वो क्या है, उसकी जो सरफेस फिनिशिंग इज वेरी पुअर एंड एक्यूरेसी इज आल्सो वेरी पुअर, ठीक है। तो डायमेंशंस को एक्यूरेटली गेन करने के लिए, जो आपकी बेस वैल्यू है डायमेंशंस की उसके नियर अबाउट पहुंचने के लिए, ठीक है, तो लास्ट पोर्शन इज गोइंग टू फाइल, जो लास्ट आपके डायमेंशंस है उसको फाइलिंग किया जाता है। एक्यूरेसी इज लो, फिनिशिंग इज पुअर और चिजल इज इंक्लाइंड एट एंगल, ठीक है। जनरली एंगल इज स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री, ये जो एंगल होता है 45 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा होता है, नियरली 50 डिग्री 50 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। वी हैव अप्लाई द, वी होल्ड द चिजल बाय हैंड, ठीक है, हाथ के अंदर चिजल को होल्ड करते हैं, अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स, एंड क्या करते हैं, इम्पैक्ट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। तो चिजल सियर, चिजल एज इज, जिसे एज इज, चिजल एज इज विल पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल, वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है एंड सियरिंग द मटेरियल, मेटल को सियर करता है, कट कर देता है, लाइक दिस, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। दिस एज इज पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल, जो आपके एजेस हैं वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। द मटेरियल ऑफ चिजल इज हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील करते हैं विद हीट ट्रीटमेंट के साथ, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज द चिपिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, चिपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि वी इंक्लाइन द चीजल एट सम एंगल, ठीक है, जनरली मोर देन 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास, ठीक है। इफ वी चेंज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अ चीजल तो व्हाट विल बी हैपन टू द चिपिंग ऑपरेशन, इफ वी टेक द लो इंक्लिनेशन एंगल, देखो यहां पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू अप्लाई द फोर्स ऑन द चीजल, दिस इज द एक्सिस ऑफ अ चीजल, एक्सिस ऑफ चीजल एंड यू अप्लाई द फोर्स एट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द एंगल, या इंक्लिनेशन एंगल है थीटा डिग्री, ठीक है। वी डिवाइड द टू कंपोनेंट, फोर्स इज एट सम एंगल, तो वी कैन, यू कैन डिवाइड द टू कंपोनेंट, द वन कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा
and the second component is f cos theta. F cos theta. This force f sin theta will try to penetrate the chisel inside the material. ये जो f sin theta है, ये downward force apply कर रहा है. तो ये क्या करेगा? Chisels को downward movement देने की कोशिश करेगा, penetrate करवाने की material के अंदर. और f cos theta क्या करेगा? It gives the forward motion to the chisel. Forward motion to the chisel. ठीक है? If the f sin theta is not sufficient, the chisel is not going to penetrate properly inside the materials, and chisel start to move in a upward direction. ठीक है? तो आपको चीजें क्या करने लग जाएगी? You start to move in upward direction during the cutting operation. ठीक है, आपको कटिंग इस तरह से करनी थी मटेरियल की. मटेरियल कटिंग इस तरह से करनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो स्टार्टिंग में कटिंग सही हुई है, लेकिन जैसे आप आगे तरफ मूवमेंट करते जा रहे हो, फोर्स में करते जा रहे हो, चीजल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. चीजल इज क्लैंपिंग, क्लाइंबिंग, क्लैंपिंग नहीं, क्लाइंबिंग करो, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग अप. ठीक है, इन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऊपर की तरफ क्या कर रही है? आपकी चीजल मूवमेंट कर रही है. ठीक है, तो जो आपको एक स्ट्रेट सरफेस मिलना चाहिए, स्ट्रेट ना मिलकर आपको क्या मिल रहा है? इंक्लाइंड सरफेस मिल रहा है. ठीक है, ड्यू टू द लो इंक्लिनेशन. If the inclination is very high, what will be happen? Then this chisel, अब क्या हो जाएगा? This force is more. ये force ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है? Then requirement, जितना हमें एक straight surface के ऊपर cutting करने के लिए जितना force चाहिए, that is more than requirement. The bend, तो every step forwarding, जैसे आप अगर forward movement करोगे, chisel is going to penetrate more deep inside the material. ठीक है? Chisel क्या करती रहेगी? ज़्यादा deep करेगी. Inside the material. So this is due to the high inclination. तो आपको एक चीज़ क्या करेगी? लगातार किस तरह से कटिंग करेगी? ठीक है, कटिंग किस तरह करनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में कटिंग होनी चाहिए, इस तरह से कटिंग होनी चाहिए. ये मटेरियल रिमूव करना था हमें फ्रॉम द सरफेस, इस मटेरियल को रिमूव करना था. तो वो आपका क्या नहीं हो पाया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सेफर साइज में रिमूव नहीं हो पाया. तो हमें क्या करना है? ठीक है, जब भी चिपिंग करते हैं, इंक्लिनेशन एंगल का ध्यान रखना होता है, न ज्यादा न कम. ठीक है, नियरली अबाउट 45 डिग्री के आसपास. नेक्स्ट इज ऑपरेशन इज योर टैपिंग ऑपरेशन. टैपिंग एंड डाइंग ऑपरेशन भी बोलते हैं कंप्लीटली. टैपिंग ऑपरेशन आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरनल थ्रेड यूजिंग द टैप्स. ठीक है, दिस इज अ प्लेट, कोई आपके पास प्लेट है एंड देयर इज अ होल, उसके अंदर होल बना हुआ है. ठीक है, ये मटेरियल आपका और उसके अंदर क्या बना हुआ है? वी क्रिएट ए होल बाय यूजिंग द ड्रिल मशीन. ड्रिलिंग के थ्रू हमने होल बना लिया. व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू क्रिएट ए थ्रेड इनसाइड द होल. ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके अंदर थ्रेड बना लिया होल के अंदर, जो होल का इंटरनल सरफेस है. देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट द थ्रेड. तो वी यूज द टैप्स. हम क्या करते हैं? टैप्स यूज करते हैं. It will look like this. इस तरह से दिखाई देते हैं टैप्स. ठीक है, टैप्स having the teeth on its periphery. ठीक है, जो उसके पेरीफेरी होती है, जो उसकी पेरीफेरी है 360 डिग्री के ऊपर, उसके ऊपर क्या है? There is a teeth, teeth बने हुए हैं. There are teeth. Throughout नहीं होते, बीच में क्या होता है? गैप होता है. There is a groove, खाली स्पेस होता है. उसके बाद फिर थ्रेड होते हैं, फिर उसके बाद क्या ग्रू होता है, फिर थ्रेड होते हैं. चार और पोजीशंस के ऊपर थ्रेड कटिंग होगी. तो थ्रेड ऑन इट्स पेरिफेरी टू कट द थ्रेड्स इन प्री ड्रिल्ड होल. प्री ड्रिल्ड होल जो पहले से होल बना रखा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? ये आपकी प्लेट है, दिस इज अ प्री ड्रिल्ड होल. वी इंसर्ट दिस टैप इनसाइड इट. इस टैप को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड रोटेट इट, और रोटेट करें तो दिस टिथ इज पेनिट्रेट इनसाइड द होल सरफेस. जो टिथ है आपके टैप्स के, वो क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे inside the holes, hole surface के अंदर, and shear the materials. ठीक है, और जहां पर आपका टिथ आएगा, जहां पर टिथ आएगा वहां से मटेरियल कट कर हो जाएगा. और जहां पर टिथ नहीं है, तो टिथ के बीच में क्या गैप है, तो वहां पर मटेरियल क्या नहीं होगा? कट नहीं होगा. तो वहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाएगा, लाइक ए टिथ, टिथ की तरह, लाइक ए थ्रेड, थ्रेड की तरह. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज टैपिंग ऑपरेशन. व्हाट द मटेरियल ऑफ टैप मटेरियल? दैट इज अ हाई कार्बन स्टील. तो ये हार्ड होना चाहिए आपके मटेरियल से, जिसके अंदर थ्रेड बनाने हैं, उससे आपका
tap material must be hard, so that is your high carbon steel. Chamfer का meaning क्या होता है? Chamfer means tapering of a thread at a front end of a tip. ये जो आपका देखो यहां से लेकर यहां तक क्या बने हुए थ्रेड बने हुए, तो ये जो लास्ट का पोर्शन है, देखो ये लास्ट पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर तो डायमीटर है एट दिस पोर्शन, वो डायमीटर यहाँ पर नहीं है, वो डायमीटर यहाँ पर डायमीटर है कम है, तो लास्ट का जो पोर्शन है ऑफ ए टैप जनरली दैट इज इन दिस शेप, वो टेपर्ड कर दिया जाता है, टेपर्ड करने कर करके उसके बाद क्या बनाया गया, इसके ऊपर थ्रेड बनाए गए, तो जितने पोर्शन में टेपरिंग की गई है दैट पोर्शन इज नोन एज चैम्फर, उतने पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, चैम्फर बोल देते हैं, ठीक है. चैम्फरिंग इज अ प्रोसेस, टेपरिंग ऑफ ए थ्रेड एट द फ्रंट एंड ऑफ ए टैप, द लेंथ ऑफ द टेपर्ड पोर्शन इज नोन एज ए लीड, इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज ए लीड, दैट ऑपरेशन इज नोन एज ए टेपरिंग ऑपरेशन. ठीक है, तो वीडियो देखते हैं, उससे में समझ में आएगा कि हाउ वी परफॉर्म द टेपिंग ऑपरेशन, टेपिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं. देखो दिस इज द, ये कोई इसके अंदर होल बना हुआ है ऑलरेडी, दिस इज ए होल, होल यहाँ पर होल बना हुआ है और होल के अंदर हमने क्या किया, टैप को इंसर्ट किया एंड नाउ वी आर रोटेटिंग बाय यूजिंग द सम टूल, इस टूल का यूज करके इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. अब जो होल का साइज होगा उसी के साइज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, टैप सेलेक्ट करना होगा. तो देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ ए टैप, ठीक है, एक सेट आता है, ठीक है, उन ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ टैप्स आर अवेलेबल, उसके अंदर क्या नंबर ऑफ टैप्स अवेलेबल होंगे, तो उन्हीं साइज के अकॉर्डिंग we create the holes, जो टैप के साइज अवेलेबल हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग हम होल क्रिएट करते हैं. ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी होल बना दिया आपने एंड यू कैन क्रिएट द थ्रेड इन साइड द होल, ठीक है, रैंडमली आपने कोई भी होल क्रिएट किया है विदाउट कंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ टैप अवेलेबल, तो यू कैन नॉट क्रिएट द थ्रेड इन साइड द होल, तो आप ठीक है उस होल के अंदर थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकते. तो जो भी आपके पास सेट अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, होल्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस टैप को रोटेट कर रहा है इनसाइड द होल, अभी अब वो पहले मैनुअली कर रहे थे, आप मशीन का यूज करके कर रहे हैं. ये डाई है, इसके बारे में इस स्लाइड के बाद में डिस्कस करेंगे, दिस इज अ डाई, तो वी डिस्कस लेटर अबाउट दिस. उसने बताया कि हम क्या करते हैं, एक टर्न फॉरवर्ड करते हैं, टू टर्न बैकवर्ड करते हैं, ताकि जो चिप्स बनी है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, अदरवाइज इट कैन चिप्स कैन जैम द टैप इनसाइड द होल, जो आपका टैप है वो होल के अंदर क्या हो सकता है, जैम हो सकता है.
बीच में जो गैप है आपका, इसको फ्लूट बोलते हैं, ठीक है, जो आपके थ्रेड ब्रेक डाउन, जो आपका मेटेरियल ब्रेक डाउन कट हुआ है, दैट इज बी कलेक्टेड इन बिटवीन देम, वो उस फ्लूट में इकट्ठा हो जाता है. टैपिंग ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, टैपिंग ऑपरेशन बोलते हैं. तो टैपिंग ऑपरेशन के अंदर जनरली हमारे पास तीन तरह की थ्रेड्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है. द फर्स्ट थ्रेड टैपिंग इज नोन एज टैपर टैप्स. इन टैपर टैप्स, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ ए, जिसे तो नीति दे रखी है, टैपर टैप बोल सकते हैं. तो यहाँ पर 8 से लेकर 10 जो थ्रेड्स होते हैं टैपर, ठीक है, नीचे का पोर्शन होता है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 to 10 थ्रेड्स आर टेपर्ड. वो टिपिंग आगे टेपर्ड की गई है इस तरह से. ये टेपर्ड क्यों किया गया, किया गया है सो दैट इट कैन नेसली इजिली इंसर्टेड इनसाइड द होल, ताकि आराम से ये क्या कर जाए, होल के अंदर इंसर्ट हो जाए एंड स्टार्ट टू क्रिएट द प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्रेड. ठीक है, तो स्लोली इट स्टार्ट टू क्रिएट, ठीक है, projections on the whole surface. So this is the first tap we bolte hain isko, or you taper tap we bolte hain. After that we go, we are going to use the next is your plug taps, or the thread is 3 to 5 tapered threads. Ab jo tapering hai wo kam ho gayi hai aage se, jo jo portion hai, that is jo portion hai wo kam ho gaya hai iske compare mein, isme tapering yahan tak thi, isme tapering usse kam ho gayi hai, only 3 to 5 tapered threads hai. ठीक है, यहीं पर क्या गया, टेपरिंग की गई है ओनली 3 to 5 थ्रेड्स के लिए. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस बने हुए थ्रेड्स है, दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू टेपर थ्रेड्स. यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस है कुछ ज्यादा हाई है इनका, थ्रेड्स का, इन द टैप्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो टैप है इट गिव द इनिशियल स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन द वॉल सरफेस. ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, इट गिव द depth to the threads. अब जब इसको इस निकालने के बाद इसको insert करेंगे inside the hole, तो ये क्या करेगी, ये deep आपके thread cut करेगा on the wall of a surface, on the surface wall surface के ऊपर. ये क्या करता है, ये initial just आपको एक projection create करके देता है, small projections create करता है surface के ऊपर. ये क्या करेगा, उसको threads को deep तक projected कर देगा, but clearly it creates the threads on the surface wall. And the last is your bottoming tap. That is are used to give the finishing to the threads. उसके बाद ये आपकी first number है, ये second number tap है, ये third number tap है. ये tap क्या करेगी? Final finishing देगी to the threads. So this देखा, तो दरमी हम 3 का set use करते हैं to create the threads inside the holes. किसी भी hole के अंदर threads create करने हैं, तो we are using the 3 set of a tap. 3 set of tap use करते हैं. Is it clear? हेलो, ओके, तो लोग नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन इज योर डाई ऑपरेशन. ठीक है, इन डाई ऑपरेशंस वी कट द थ्रेड आउटसाइड सरफेस. फॉर एग्जांपल, दिस इज ए रोड, आपके पास कोई रोड है, दिस इज ए रोड, ठीक है, आपका कोई बोल्ट है और उसके ऊपर थ्रेड नहीं है, एंड यू वांट टू क्रिएट अ थ्रेड आउटसाइड दिस बोल्ट. बोल्ट के बाहर के सरफेस के ऊपर हमें थ्रेड्स क्रिएट कर, तो वी आर यूजिंग द टूल नोन एज ए डाई. तो जो टूल यूज करते हैं उसको डाई बोलते हैं. द टूल डाई, टूल डाई के अंदर क्या होता है, डाई होता है, डाई स्टोक होता है. ठीक है, दिस इज अ डाई, दिस इज नोन एज ए डाई, इसको डाई बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर ये जो आपका प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन के अंदर थ्रेड बने हुए हैं. ठीक है, तो जनरली एट 3 पोजिशन के ऊपर थ्रेड क्रिएट किए जाते हैं. जैसे टैप्स के अंदर भी आपके थ्रू आउट थ्रेड्स नहीं थे, नॉट ए थ्रू आउट थ्रेड्स. ठीक है, बीच में क्या था, एम्प्टी स्पेस था थ्रेड्स के बीच में ऑन द टैप्स, टैप्स के ऊपर. तो यहाँ पर भी जो टाई है, टाई के ऊपर क्या है आपका, थ्रू आउट थ्रेड्स नहीं है. ठीक है, ये थ्रेड बने, यहाँ पर थ्रेड बनाए गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ थ्रेड बनाए गए हैं, फिर यहाँ थ्रेड बनाए गए और यहाँ थ्रेड बनाए गए, और बीच में देखो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो दिखाया गया है, एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस क्यों बनाया गया है, कि जो भी मटेरियल कट होगा ड्यूरिंग द थर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दैट कटिंग मटेरियल इज कलेक्टेड inside the hollow space.
जो चिप ब्रेक होंगी, जो चिप बनेगी, दैट विल बी ब्रेक एंड कलेक्टेड इन दिस होलो स्पेस, इन होलो स्पेस में कलेक्ट हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज द डाई, इनको डाइज बोलते हैं। डाइज का अलग अलग साइज अवेलेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ डाइज को हम सेट में यूज नहीं करते, एक सिंगल डाई कैन यू यूज टू क्रिएट द कंप्लीट शेप ऑफ ए थ्रेड। तो जो डाइज के डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है, उन स्टैंडर्ड साइज की रोड को हम क्या कर सकते हैं, वी क्रिएट द एक्सटर्नल थ्रेड्स, ठीक है, जिस तरह इस रोड के ऊपर थ्रेड्स बना रखे हैं, दैट इज अ थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड्स बना रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी रोड ले लोगे ऑफ एनी डाइमेंशंस एंड यू कैन क्रिएट द थ्रेड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक डाई बनवानी पड़ेगी। यदि आप क्या चाहते हो कि सेट भी सारा अवेलेबल, सेट अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग यू सिलेक्ट द बार मटेरियल और योर रोड मटेरियल, एंड दिस इज नोन एज स्टॉक, इसको स्टॉक बोलते हैं। We put the die inside the stoke, हम die को stoke में रखते हैं, and that after that we rotate the die, इस die को क्या करते हैं, rotate करते हैं, by inserting the material inside the die, जो rod है, इसमें insert कर देंगे, die के अंदर insert कर देंगे, और die को किसमें put कर देंगे, in the stoke, stoke के अंदर, stoke से फिर die को rotate करते हैं, work material is stationary, work material आप stationary रहता है, और example देखेंगे video देखते हैं, उसमें clear हो जाएगा मैं कैसे काम करता है ये। डाई, ये आपकी डाई है, और यहाँ पर जो पोर्शन दिखाया गया आपका, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं, इसके ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, इसके ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, और यहाँ पर थ्रेड बने हुए, फोर पोजिशन के ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, और ये जो स्पेस है ये क्या है, एम्प्टी है, इन पोर्शन के अंदर थ्रेड्स नहीं है, इन चार पोर्शन के ऊपर, दैट आर यूज टू ब्रेक द to collect the chips, जो आपके मेटेरियल कट हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए स्पेस यूज किया जा रहा है। दिस इज स्टॉक, दिस इज बेंच वाइस, लुब्रिकेंट ऑयल, चैम्फरिंग कर रहे हैं, ऊपर से डायमीटर थोड़ा कम कर रहे हैं, डाई इंसर्टेड इनसाइड द स्टॉक एंड टाइट फिट इनसाइड द स्टॉक। तो स्क्रू से हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू लगा रखे हैं, उनको टाइट करके डाई को स्टॉक के अंदर टाइट कर रहे हैं ताकि वो मूवमेंट ना करे ड्यूरिंग द ऑपरेशन। यस, स्प्रे द लुब्रिकेंट, इंसर्ट द डाई इनटू द रोड एंड रोटेट इट, one turn is forward, one turn is back to break the chip, एयर ब्लोअर, ये एयर ब्लोअर वहां से जो चिप्स है उनको रिमूव किया गया, तो इट इज एयर ब्लोअर।
इस ऑपरेशन इज नोन एज द, इस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, डाई ऑपरेशन बोल देते हैं. इज इट क्लियर? हेलो, क्या होता है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए. लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ऑयल टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम करने के लिए. तो दो मटेरियल आपस में रिलेटिव मोशंस के अंदर कांटेक्ट में है, तो लार्ज क्वांटिटी में क्या होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम करने के लिए और क्या पूछ रहे थे? दोबारा प्ले करना है कुछ एक्सपेरिमेंट का, ऐसे दोबारा प्ले करो. चलो दोबारा कर देते. कंपोनेंट बना के देखना है कैसे. ठीक है, तो आपका ये जो है वेंटिलेशन फिटिंग के अंदर जो बाकी जो टूल्स हैं, जैसे आपका हेक्सा है, फाइलिंग है, ठीक है, ट्राई स्क्वायर है, जितने भी टूल्स हैं हम फिटिंग शॉप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो जो टॉपिक हमारे रह गए थे वही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो बाकी एज यूजुअल जो ही टॉपिक आपने वहां स्टडी किए हैं वो आप यहाँ पर भी उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो उसको दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, द टूल विल बी सेम. इज इट क्लियर? हेलो, ओके ओके. तो अभी आपका जो बेंच वर्क एंड फिटिंग खत्म हो गया है, ये दो टॉपिक बचे हुए थे आपके बेंच वर्क एंड फिटिंग में जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे वहां पर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? शीट मेटल एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें. चलो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शीट मेटल के अंदर. शीट मेटल, हाँ बोलो. क्या भेज दे? और चलो भेज दूंगा. ठीक है, तो शीट मेटल के बारे में तो बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया था शीट मेटल शॉप के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल के बारे में, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम,
और स्प्रिंग बैक क्या होता है और शीट मेटल ऑपरेशंस के अंदर शेयरिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट कमिंग क्लास, ठीक है, कल जो क्लास होगी मॉर्निंग में उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और फिर आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है, आप पढ़ना शुरू कीजिए भाई, आपके सेशनल में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मैं आपको अच्छे मार्क्स दे पाऊंगा, तो आप ठीक है थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, नोट्स जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, पेपर बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ठीक है, तो जस्ट रीड आउट द प्रोसेसेस, बस आप ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठते हो एमपी को आप ऐसा फील कीजिए कि यू आर इंजीनियर एंड यू आर वर्किंग इन ए मैकेनिकल इंडस्ट्री कंपनी, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो आप, और ठीक है, और आप एक इंजीनियर हो, तो फीलिंग के साथ आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बोर नहीं लगेगी एंड यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर पाओगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, ठीक है, आप ऐसा फील कीजिए कि यू आर इंजीनियर्स, द नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, जूनियर इंजीनियर्स लेबर्स आर वर्किंग अंडर यू एंड दे वेट फॉर योर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसे आपकी कास्टिंग है, तो कास्टिंग का जो भी काम होता है वो सब लेबर करती है, मोल्ड बनाना, मेटल को मेल्ट करना, डालना, कैविटी क्रिएट करना, एवरीथिंग इज डन बाय द लेबर, ठीक है, जो आपके लेमेंस है वो करते हैं, लेकिन दे वेट फॉर योर इंस्ट्रक्शंस, बताना आपको ही है, ठीक है, कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और इसमें कुछ गड़बड़ है, कास्टिंग का साइज सही नहीं आ रहा है, कास्टिंग का सरफेस सही नहीं आ रहे हैं, तो यू विल डायग्नोज द प्रॉब्लम, आप ठीक है, इंजीनियर्स विल डायग्नोज द प्रॉब्लम, इंजीनियर्स को देखकर बताना होता है कि जो डायमेंशंस हैं सही नहीं है, तो डायमेंशन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए लेबर को, ठीक है, कैविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपका जो सैंड उसमें प्रॉब्लम है, पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम है, कहाँ है दिक्कत, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, ठीक है, लेबर का उसका डे काउंट होता है, ठीक है, वो मॉर्निंग में आए इवनिंग में जाएंगे, ठीक है, उनको उनको सैलरी मिलेगी, ठीक है, प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन का होना, ठीक है, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, इंजीनियर की, ठीक है, टारगेट है कि आप डेली 500 पीस बनाने हैं, मान लीजिए आपको कास्टिंग के अंदर, तो 500 पीस नहीं बने तो इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल, उसको डेटर में लिख के देना होता है कि व्हाट विल हैपन टुडे, आज क्या हुआ जिससे प्रोडक्शन लाइन चल नहीं पाई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, कास्टिंग नहीं हो पाई, ठीक है, इफ यू आर नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है, देन यू आर विल फायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है, यदि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने के पैसे नहीं मिलते इंजीनियर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है, जो फिजिकल वर्कआउट है, फिजिकल वर्क है, ठीक है, हाथ से काम करना है वो तो लेबर करती है, समझ में आ गया, हेलो, हाँ, तो इंडस्ट्री के अंदर यदि आप मान लें, ठीक है, आपकी तो जैसे सीएससी ब्रांच है तो आपकी तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रहेगी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो उनके ये बात समझने की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा मिलता है इंडस्ट्री, ठीक है, काम करने का पैसा नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए लेबर होती है, वो करती है, उनको काम करने का पैसा मिलता है। चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।